ओम शांति। 16/12/2023 यानी 16 दिसंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर अबज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, अगर कुछ गलत कर्म हो जाए तो क्षमा मांगनी है, नहीं तो पाप का बोझ चढ़ता जाएगा और निंदक यानी निंदा करने वाले बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है और उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? तो इसका उत्तर है, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता है जब संग ठीक नहीं रहता। कहा भी जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। अगर संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं और फिर नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। संग ही एक दूसरे को रसातल में पहुंचा देता है, इसलिए संग दोष से, गलत संगति से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं, यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आ करके हमको एक जान दे करके स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि एक जान का सागर वही है। गाड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गाडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है, किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गार्डेज ऑफ नॉलेज यानी एक जान की देवी नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगत अम्बा गार्डेज ऑफ नॉलेज है, जब वह जगत अम्बा एक जान की देवी है, तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गार्डेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को यानी एक जान की देवी सरस्वती को गाड यानी ईश्वर नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? यह बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती कि जगत अम्बा कौन है, यह तो बच्चे जानते हैं कि जगत अम्बा तो एक ही होगी, लेकिन नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है, उनको नॉलेज देने वाला गाड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गाड फादर यानी परमपिता परमात्मा ही देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परमपिता परमात्मा जो एक ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को एक ज्ञान दिया होगा, वही एक ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गाड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गाड फादर के बच्चे मास्टर गाड हुए ना, इसलिए नाम रखा है गाडेज ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान की देवी। बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है एक ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक ही है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गाडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गाडेज ऑफ नॉलेज यानी एक ज्ञान की देवी सरस्वती ही फिर गाडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। गार्डेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी महिमा है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ,
वही मुझे जानते हैं। तो जगत अंबा है गार्डेज ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान की देवी, यह सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की नॉलेज। गार्ड ने इनको नॉलेज दी और यह गार्डेज कहलाई। परमपिता परमात्मा शिव ने इस मम्मा को एक ज्ञान दिया तो यह मम्मा एक ज्ञान की देवी कहलाई। जगत अंबा तो माता ठहरी, दूसरे जन्म में गार्डेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर मनुष्य भीख मांगते हैं कि हमको धन संपत्ति दे दो। तो सिद्ध हुआ कि बाप द्वारा जगत अंबा को राजयोग का वर्षा मिलता है, उनको गार्डेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होता तो पढ़ नहीं सकेंगे और उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग बोरे यानी डुबोए, संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर नापास होकर के पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है कि इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, मान लो कि दो लोगों का आपस में प्यार है और दोनों ही ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप कहते हैं कि यह पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं तो इनको तुरंत अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ, अगर पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि अगर कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास होकर के भगंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं कि यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसी को भी समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण के बस है। बाबा समझ जाते हैं कि इस बच्चे में योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चाल चलन बड़ी रायल होनी चाहिए, बड़ी शानदार होनी चाहिए। जमते जाम यानी जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं पांच विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं कि यह आसुरी मत पर हैं। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते हैं, कोई 10% चलते हैं, वह भी हिसाब है। तो जगत अंबा एक ही है, जगत अंबा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह है गार्डेज ऑफ नॉलेज, जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गार्डेज ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके, हेवनली गार्ड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहीं मम्मा को निमंत्रण दें
तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज होना चाहिए कि यह कौन है, दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं कि श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। सबसे ज़्यादा गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है प्रजापिता ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सकें। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सरस्वती गार्डेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंबर के बाद लक्ष्मी बनती है, गार्डेज ऑफ वेल्थ यानी धन की देवी, उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए, मम्मा कौन है यह समझाना पड़ेगा ना। यह है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं हैं, किसी के पास नॉलेज है नहीं। अंधश्रद्धा बहुत है, पाखंड बहुत है, ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। बहुत सारे भारतवासी मूर्खता में फंसे हुए हैं, किसी को भी सही नॉलेज नहीं है। भारतवासी पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं, सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, मतलब अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, बस अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं हैं। इस्लामी बौद्धी आदिवाद में आए हैं, इन्हों के पहले जरूर यह देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। कल्प की आयु लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जा कर के समझाएंगे कि इस गार्डेज ऑफ नॉलेज को, इस एग्जाम की देवी को यह एग्जाम किसने दी। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज दी, नहीं नहीं, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है, कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वह तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं, नाम भी तो बाला हुआ है। अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना, परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर वन उपकार करने वाला हूँ, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह करके बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, एग्जाम देता हूँ, तो इस एग्जाम यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं कि जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही कचड़ा पड़ता है, ग्लानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और कई डिस सर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम नहीं है। कुछ बच्चों को एग्जाम दे करके एग्जाम में लाते हैं और कुछ बच्चे एग्जाम वाले बच्चों को भड़का करके एग्जाम से दूर ले जाते हैं। मतलब
कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दूसरों को एग्जाम समझा करके एग्जाम में लाते हैं, और जो बुरे बच्चे होते हैं वो एग्जाम वाले बच्चों को भी एग्जाम से दूर लेकर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जाम नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, दया तो आती है ना। बाप का बन करके और बरसा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा? बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ करके बरसा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध ये महाशत्रु हैं। यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं। बाप फिर भी सावधान करते हैं कि बच्चों खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो करके लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से परमपिता परमात्मा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है सब समझते हैं, नहीं। तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर के बताओ कि शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। अगर क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी, मतलब अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होता रहेगा। यह नॉलेज है, यह एग्जाम है। बाबा जानता है कि कल्प पहले की तरह राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं कि उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर के समझाओ कि ऊंचते ऊंच यह भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है। सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, और शिव बाबा है एग्जाम का सागर, हेबिन यानी स्वर्ग स्थापन करने वाला। तो जरूर हेबिन यानी स्वर्ग के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गार्डेज ऑफ वेल्थ यानी धन की देवी। वह ब्राह्मण, वह देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझें। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोवर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोवर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा, पाखंड। फॉलोवर्स तो है ही नहीं, ना वह बनाते और ना तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है कुछ भी नहीं जानते। हम लोग साधु सन्यासी को अपना गुरु बना लेते हैं,
लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि हम साधु संन्यासी के चेले बने हैं तो हमको उससे क्या फायदा होगा। बस उनको अपना गुरु बना लेते हैं, हम उनके चेले बन जाते हैं। तो ये अंधश्रद्धा है, पाखंड है। स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पता होता है कि हम पढ़ाई पढ़ करके कुछ ना कुछ बनेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन हम साधु संन्यासियों को अपना गुरु बनाते हैं, हम उनके चेले बनते हैं, तो हमको कुछ भी पता नहीं होता कि इससे हमको क्या मिलेगा। ना ही हम संन्यासियों के जैसा बनते हैं, ना ही संन्यासी हम लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों संन्यासी को अपना गुरु बनाते हैं, हम क्यों संन्यासी के चेले बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, संग दोष से बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़ करके सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। आज का वरदान है, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, इकट्ठा है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो, इकट्ठा हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होती। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। आज का स्लोगन है, हर समय करण कराबन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अगर आज की मुरली आपको समझ में आ गई और अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।